और आपको बताएं डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और सिंगल बेंच ट्रिब्यूनल कायम किया इंक्वायरी का सानिया मॉडल टाउन पर, और इनके जिम्मे इस कत्लेआम के जिम्मेदारों का तायुन करना और दीगर मुतअल्लका हकायक को तलाश करना और मुतायन करना, ये उनके ज़िम्मे लगाया गया। और साथ ही ये ऐलान किया कि अगर इस कमीशन ने ज़िम्मेदारी मुझ पे डाली या मेरी तरफ उंगली भी उठा दी तो मैं फौरी मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। हम चूँकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुशावरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे, सो हमने शहबाज शरीफ साहब के लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब पर मुश्तमिल इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स में शिरकत नहीं की। हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का इंक्वायरी का मैटर था, और उसकी एक वाज़ह दलील हमारे सामने थी कि चंद रोज़ कबल जियो के एक एंकर पर्सन हामिद मीर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था और वो बच गए मगर शदीद ज़ख्मी हुए, उन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बना था। तो एक शख्स अहम सहाफ़ी शहादत नहीं हुई, शदीद ज़ख्मी हुए, तो उन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन था इंक्वायरी के लिए। हम उस बुनियाद पे कह रहे थे कि यहाँ हमारी तहरीक के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, गोशे दरूद पर गोलियाँ चलाई हैं, हमारे घर पे गोलियाँ चलाई हैं, 14 अफराद शहीद हुए हैं, 90 ज़ख्मी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का इंक्वायरी कमीशन उसी तरह बनना चाहिए ट्रिब्यूनल। इस असना में शहबाज शरीफ साहब ने हमारे इस मुतालबे को नज़रअंदाज करते हुए आज ख़ुद स्टेप लिया और यक रुकनी ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब पर मुश्तमिल बनाया। उस कमीशन को जस्टिस बाकर नजफ़ी कमीशन कहते हैं। अब उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की और हुकूमत पंजाब को सबमिट कर दी। वाज़े रहे कि ये रिपोर्ट और उनकी पूरी तहकीकात और तमाम प्रोसीडिंग्स यकतरफा थी, यानी हम सारी दुनिया को मालूम है, मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ दोहरा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ मेमोरीज़ को, यादाश्तों को। उसमें सिर्फ हुकूमत पेश हुई, वज़ीर आला पंजाब ख़ुद पेश हुए, अपना बयान हल्फी दिया, जो कुछ भी कहा। उसमें सूबाई वज़ीर कानून पेश हुए, उनके सूबाई अफसरान पेश हुए, पुलिस अफसरान पेश हुए, हुकूमत ने अपने गवाहान पेश किए। हम नहीं गए, ना अपना कोई फ़र्द भेजा ना कोई गवाही। हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहे कि ये इस्तीफ़ा दें और मुस्ताफ़ी हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कमीशन बने। और उसके बाद फिर हमारा मुतालबा था कि GIT इंडिपेंडेंट बने। उस वक्त तो हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी, तो मैं हम तो FIR ही दर्ज करवाने के लिए, हमारे मुतालबात इससे ज़्यादा बुनियादी थे। और FIR भी जाके हमारी दर्ज हुई 14 अगस्त 2014 के बाद, जब हम धरने में थे। उस वक्त के आर्मी चीफ की मुदाखलत पर गालबन 28 अगस्त की तारीख थी जब FIR दर्ज करने के ऑर्डर दर्ज हुई। कहाँ वाकया 17 जून का और कहाँ 28 अगस्त को इस्लामाबाद के धरने में आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे जनरल राहिल शरीफ, उनकी मुदाखलत से FIR दर्ज हुई। अब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट हुई
और इन्होंने लिखा था आपने उस लेटर में कमीशन बनाते हुए कि ये पब्लिक बड़ा सीवियर पब्लिक कंसर्न है, लिहाजा हकायक जानना चाहते हैं लोग। ये लिख कर अपने लेटर में कमीशन बनाया। जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, उनका ख्याल अल्लाह बेहतर जाने क्या था, लेकिन जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और इनके वज़रा और इनके अफसरान के नाम और पते दर्ज कर दिए। उन्होंने हुकूमत पंजाब को इस कत्लेआम का ज़िम्मेदार ठहरा दिया और ये कह दिया कि पंजाब पुलिस ने एग्जैक्टली वो कुछ किया जो हुकूमत पंजाब ने ऑर्डर किया था। अब जब निशानदेही हो गई कातिलों की और कत्ल का हुक्म देने वालों की और कत्ल की मनसूबा बंदी करने वालों की, तो इस वजह से उन्होंने इस रिपोर्ट को दबा लिया। आज 3.5 साल गुजर गए, हम दोहरी जंग लड़ते रहे। इस्लामाबाद में हमारा धरना 75 दिन के करीब रहा। आखिरी अय्याम में हुकूमती वज़रा मुज़ाकरात के लिए भी आते रहे, पीटीआई की तरफ भी जाते थे, उनका एक वफद हमारी तरफ भी आता था। वो हर बात सुनने को और उनमें से बाज़ बातें मानने को तैयार थे, लेकिन हम उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार न थे, एक पहली शर्त माने बग़ैर। और वो हम इस्तीफ़ा मांगते थे नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का, अगर ये रिज़ाइन नहीं करते। और नंबर 2, JIT पंजाब से बाहर किसी सूबे में चाहते थे कि वहाँ के अफसरान पे मुश्तमिल JIT बने जिसमें कोई भी पंजाब का पुलिस अफसर शामिल ना हो। ये दो चीज़ें थीं जिस पर सारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। वो इन दो बातों को मानने को तैयार नहीं थे और हम इससे हटकर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि ठीक है, हम जिस तरह से भी इसकी जंग है, हम अपनी जंग को अपने अंदाज के साथ जारी रखेंगे। धरना कंक्लूड करके हमने कानूनी जंग का आगाज़ कर दिया। हमने देखा जब FIR की प्रोग्रेस नहीं हो रही तो इस्तिगासा दायर किया और इस्तिगासा के साथ फिर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि जस्टिस बाकर नचवी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, पता चले हमें कि इस रिपोर्ट में मुअज्जज जज साहब ने लिखा क्या है। अब आपके सामने है और पूरी कौम के सामने के इस पूरे प्रोसेस को 3.5 साल गुजर गए। हमारा जो हमारी हिकमत अमली जो थी मुकदमे के ज़िमन में, हमने उस वक्त जब दायर किया इस्तिगासा तो हमारी हिकमत अमली तयशुदा ये थी कि हम इसको डिले करेंगे, हम इनके दौरे इक्तदार में नहीं चाहते कि फ़ैसला हो। ये उस सवाल का जवाब है जो कमोबेश 3 साल TV चैनल पे टॉक शोज़ में और तज़िया निगार और एंकर पर्सन्स और सहाफ़ी हजरात वक्तन फवक्तन करते रहे कि मैं यहाँ नहीं ज़्यादा टाइम दे रहा, बाहर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में या बैरून मुल्क मसरूफियात भी रखता हूँ, कैनेडा भी जाता हूँ, यहाँ क्यों नहीं दे रहे। हमारी तयशुदा हिकमत अमली थी, हमें ये किसी को बताना ये मुनासिब नहीं था कि हम इस केस को सिर्फ रोकेंगे, हुकूमत को बिल्डोज नहीं करने देंगे। पूरी कुव्वत और पूरी जान के साथ वकला, हम वकला तब्दील करते रहे। अब आप किसी को मालूम नहीं है कि ये कितने जालिम लोग हैं, कितने जाबिर और बरबरीजत करने वाले लोग हैं और कितना किस हद तक इंसाफ और कानून के कातिल लोग हैं। मैं इससे ज़्यादा जुमला बोलना नहीं चाहता कि हम वकला मुकरर करते थे और हमारे साथ क्या हो जाता था, मैं इससे आगे नहीं कह सकता। वकील बदलने पड़े, हमारी फीसें जाती रहीं, हम फिर वकील करते रहे और फीसें देते रहे। हम शुहदा को लुक आफ्टर करते रहे, उनकी फैमिलीज़ को मेरी मुराद, ज़ख्मियों को लुक आफ्टर करते रहे, कानूनी जंग लड़ते रहे। और हमारी पॉलिसी ये थी कि इस केस को इनके दौरे इक्तदार में फ़ैसले के मरहले में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये इंसाफ और कानून की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं, बहुत बड़े दहशतगर्द हैं।
और अगर इन्होंने फैसला अपनी मर्ज़ी का करवा लिया अपने दौर में तो अपील भी खारिज करवा देंगे और उसके बाद अगली अपील भी खारिज करवा देंगे। और हम तो सिर्फ सिवाय कानूनी जंग के और तो कुछ हाथ में है नहीं आइनी तौर पर और पीसफुल तरीके से, तो हम सारी ऑप्शंस अगर ख़त्म कर बैठे तो उसके बाद इंसाफ कहाँ से मिलेगा। हमारी जंग ये थी कि हम इनको उजलत थी कि इन बैठे बैठे सारे मरहले केस के ख़त्म करवा दें। हम ताखीर चाहते थे कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करें जब ये इक्तदार से हटें। और मुझे यकीन था अल्लाह की बारगाह में, ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये तो नहीं अंदाज़ा होता कि इंसान कब होगा, मगर ये यकीन था कि इस तरह फिरौन भी हमेशा उम्र भर नहीं रहता, कारून भी उम्र भर नहीं रहता, यजीद भी उम्र भर नहीं रहा। उसने 61 हिजरी में खानवादा रसूल को शहीद किया, चौथे साल उसका अपना खात्मा हो गया, चार साल से आगे नहीं चल सका। तो अल्टीमेटली इनका भी खात्मा होगा, इनकी गिरफ्त कमज़ोर होगी, जब कमज़ोर होगी तो कानून आज़ाद होगा, तब इंसाफ का रास्ता खुलेगा, तब इदारों के अंदर अपनी आईन और कानून की दी हुई सलाहियत के मुताबिक आज़ादी से फैसले करने की इस्तेदाद पैदा होगी। तो हम इसलिए हमने 58 शहादतें करवाई, कर्सरी एविडेंसेस कहते हैं, और हम उस प्रोसेस को चलते रहे और दरमियान में जो दरख्वास्तें हमारी कोर्ट्स रद्द करती थी रिजेक्ट करती थी, हम उसके लिए अपीलों में जाते रहे, अपील दर अपील। हम बाज़ दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील में गए हुए हैं और जस्टिस बाग़ नचवी कमीशन पर भी हमारी अपीलें थी। हमने इस कानूनी जंग को जारी रखा पुरामन तरीके से और 3.5 साल ये सस्टेन किए सारे मामलात। मैं आज मुबारकबाद भी देता हूँ उन मजलूमों को, शहीदों के वारसों को, उन बेवाओं को, उन यतीमों को, उन कमज़ोरों को जिनकी मदद का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे किया, कि उनका सब्र, उनका तहम्मुल, उनकी इस्तिकामत और उनकी गैरत, अगर वो कमज़ोर पड़ जाते तो मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं थी और मैं क्या कर सकता था। वो मेरा हौसला रहे, वो गरीब थे, वो कमज़ोर थे, नातवां थे। आप गुर्बत का आखिरी दर्जा भी सोसाइटी में ले लें तो वो उस क्लास से ताल्लुक रखने वाले बेबस बेकस लोग थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गुर्बत के बावजूद ईमान की दौलत, गैरत की दौलत, इस्तिकामत की दौलत से नवाजा और इतना नवाजा कि आपके सामने ये किसी करामत से और करिश्मे से कम नहीं, ईमान की करामत। तो उन्होंने साथ दिया, मेरे कारकुनान ने साथ दिया, हमारी जंग जारी रही। अल्टीमेटली फिर आपको याद है 16 अगस्त को माल रोड पर एक जलसा और किया, फिर हमने एक और पटिशन फाइल की शुहदा के वारसान की तरफ से, पिछली पटिशन्स पे कोई फैसले नहीं हो रहे थे, एक नई पटिशन फाइल की, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसकी समाअत हुई और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उसके ऊपर फ़ैसला दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब फिर अपील में चली गई और ये बेंच बना, सह रुकनी बेंच, फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का। पंजाब हुकूमत के वज़रा 3.5 साल तक हर टीवी चैनल पे ये कहते रहे, जब उनसे थे टॉक शोज़ में, इंटरव्यूज़ में, डिस्कशंस में, भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, कमीशन आपने ख़ुद बनवाया था, सिटिंग जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट अब शाये कर दें, मुतासरीन को पता चले कि किसने कत्ल करवाया है, जिम्मेदारान कौन है, हकायक सामने आए। 3.5 साल तक वो ये जवाब देते रहे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, रिपोर्ट हमारे पास है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट जब भी फैसला करेगी, हुक्म देगी, तो हम शाये कर देंगे। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, हम सिविल सेक्रेटेरिएट गए, उन्होंने शाये नहीं की और अपील कर दी। फिर फुल बेंच बना, उस फुल बेंच में एक तवील समात हुई जिसके आप सब गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज उसका फ़ैसला आया और मैं सबसे पहले आला अदलिया को और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को, जो फुल बेंच के मेम्बरान थे, उनको मुबारकबाद देता हूँ
अभी सारी जजमेंट मैंने नहीं पढ़ी, आखिरी सफ़ा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इसको पढ़ा है, 101 सफ़े की जजमेंट दी। ये जजमेंट पूरी मेरे हाथ में है, 101 सफ़े की जजमेंट, और लगता है कि उन्होंने आइंदा मराहिल में भी हमारी कानूनी बुनियादों को मजलूमों के हक़ में मजबूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की यानी आला अदलिया के जज साहबान ने आज कानून और इंसाफ का सर बुलंद कर दिया है, उन्होंने मजलूमों की दादरसी की है, उन्होंने बेबस बेकस मजबूर मकहूर कमज़ोर नातमा बेसहारा लोगों की मदद करके अपना ईमानी फरीज़ा अदा किया है, अपना आइनी फरीज़ा अदा किया है, अपना कानूनी फरीज़ा और अपना इदाराती फरीज़ा और अपने फ़र्ज़ मनसबी अदा किया है। इसका अजर तो अल्लाह देगा उन्हें। अभी इंसाफ पूरा नहीं मिल गया है, अभी तो एक जजमेंट आई है कि इसको पब्लिक करें। मैं एक चीज़ यहाँ वाजे करना चाहता हूँ कि जो कोर्ट, ये चूँकि टीवी पर ख़बरें चल रही हैं तो मुमकिन है बाज़ लोगों को इश्काल या मुगालता हो कि एक महीने का टाइम दे दिया गया है। बात इस तरह नहीं है, ये जजमेंट मेरे हाथ में है, आखिरी सफ़ा 100 और 101 पर, जिसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, दो ऑर्डर्स किए हैं उसके अंदर फुल बेंच ने। पहला ऑर्डर किया है कि मुतासरीन जो हैं उनको इस जस्टिस बाकर नजवी कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी बिला ताखीर फिल फॉर अभी दे दी जाए। पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, पढ़ रहा हूँ। फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स ऑल थ्री अपील्स आर डिसमिस्ड विद फॉलोइंग फर्दर डायरेक्शंस। हुकूमत ने एक अपनी अपील, दो अपीलें और भी करवाई थी पुलिस के लोगों से। पहला ऑर्डर है, द कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल शेल बी सप्लाइड टू द रिस्पोंडेंट्स फॉर द इंफॉर्मेशन बाई कंसर्नड ऑफिशियल फोर्थ विद। फोर्थ विद का मतलब है अभी बिला ताखीर जी फौरी तौर पे दे दी जाए। ये ऑर्डर है पहला। जो एक महीने का टाइम दिया है वो दूसरा ऑर्डर है कि हुकूमत सरकारी तौर पे भी इसको अलग से शाया करे, टीवी चैनल्स को दे दे, अखबारात को दे दे, और तमाम टीवी चैनल्स को और अखबारात को हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली भी शाया हो, उसके लिए एक महीने का टाइम दिया है, वो ऑर्डर नंबर टू है। और मुतासरीन जो पेटिशनर्स थे असल, उनके लिए ऑर्डर ये है कि इनको बिला ताखीर फिल फॉर कॉपी दे दी जाए। लिहाजा हमारे लोग खुर्रम नवाज गंडापुर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी क़ियादत में और दीगर कायदीन और मुतासरीन और शहीदों के वारिसान और कारकुनान सिविल सेक्रेटरीट बहुत देर से पहुँचे हुए, उन्होंने दरख्वास्त अंदर दे दी। पिछले फैसले के बाद आपको मालूम है होम सेक्रेटरी साहब को गायब कर दिया गया था, आज भी होम सेक्रेटरी साहब को गायब कर दिया गया। जो उनकी नुमाइंदगी करने वाले हाईएस्ट पोजीशन के ऑफिसर बैठे थे उनको दरख्वास्त दे दी गई। हुकूमत ने, मैंने टीवी चैनल्स के ज़रिए सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों सुन लें। अपेरेंटली मैटर शहबाज शरीफ साहब उनकी कैबिनेट अफसरान से मुतालिक नज़र आता है, मगर मैंने रोज़ अव्वल से कहा है कि हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने यह कत्लेआम करवाया हो अपने भाई साहब के हुक्म और इजाज़त के बग़ैर। नवाज शरीफ साहब भी इसमें शरीक हैं, वो भी सज़ा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त दूर नहीं है जब आप दोनों भाइयों को और अपने इनके हवारियों को जेल में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अंजाम बद को पहुंचेंगे। मजलूमों की आह में बड़ी ताकत होती है, अल्लाह का अम्र उतरता है, वहाँ देर हो सकती है मुआखजे में, इंतकाम अल्लाह के इंतकाम के शुरू होने में, मगर अंधेर नहीं होता। पूरी तहरीक, मेरे कारकुनान और शहीदों के वारसान बार दिगर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, वो मेरा हौसला थे।
آج اللہ رب العزت نے آپ کی فتح یابیوں کے سلسلے کا، دراصل تو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی ججمنٹ سے شروع ہو گیا۔ تو مظلوموں کی، بے قصوں کی، مجبوروں کی، کمزوروں کی فتح یابیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اس نے انصاف کا دروازہ کھولا ہے، اور اس مسئلے پر حکومت پنجاب کو دوسری شکست ہوئی ہے ہائی کورٹ میں۔ تو قانونی شکست پانے کے بعد دو مرتبہ اور فل بینچ کے ہاتھوں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دراصل اگر ان کے اندر کوئی اخلاقی جرأت ہوتی اور ان کے اندر کوئی انسانی حیا، شرم اور ان کی اقدار کا خیال اور پاسداری ہوتی تو 17 جون کا واقعہ ہی پیش نہ آتا، اور اگر انہوں نے کروا دیا تھا تو اس کے بعد بھی اقتدار پہ رہنے کا جواز نہ تھا۔ مگر جب حکمران درندے بنتے ہیں، قاتل بنتے ہیں، انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں، پانی کی طرح خون بہاتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، تباہی، بربادی اور ہلاکت کرتے ہیں اپنے معاشرے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، ان کے اندر انسانی اقدار ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ پھر قانون ان کو سنبھالتا ہے، ان کا مواخذہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ 17 جون کے شہیدوں کے خون اور ان کے مظلوموں کی آہیں اور ان بوڑھوں کے اوپر چلنے والی گولیاں جنہیں لاشوں کی طرح اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے، ان آہوں نے عرش الہی تک پہنچ کر آج اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پائی ہے۔ ایک دروازہ کھلا ہے، ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں۔ اب میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے آپ کو جو مہینے کا ٹائم دیا وہ آپ جانے، آپ کے دفتر جانے، وہ ٹی وی چینل جانے اور اخبارات جانے، وہ ان کے لیے دیا ہے۔ مگر مظلوم شہیدوں کے وارث، یتیم بچے، بچیاں، بیوگان اور ان کے ورثا، ان کے لیے آرڈر کیا ہے بلا تاخیر فل فور یہ کاپی دے دی جائے۔ وہ وقت شروع ہو چکا ہے، آپ جتنی تاخیر کریں گے آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ اور اب میں سن رہا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلوں سے قیادتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ایسی بات کرنے والوں کو کم سے کم کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ شرم آنی چاہیے۔ 3-3.5 سال عدالت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ فیصلہ آئے گا تو دیں گے، آج دوسرا فیصلہ حتمی آ گیا ہے، کہتے ہیں عدالتوں کے ذریعے قیادتوں کو، کون سی قیادت؟ ایسی قیادت پر کروڑ بار لعنت بھیجی جاتی ہے جو انسانیت کا قتل کرے، اس کو کون قیادت کہتا ہے جس میں انسانیت کا حیا نہیں ہے، جنہیں بیوہ ماؤں کا حیا نہیں ہے، یتیم بچے بچیوں کا حیا نہیں، انسانیت کا حیا نہیں، معصوم بے گناہ لوگوں کا حیا نہیں، وہ کون سی قیادت ہے؟ تمہاری قیادت کا برم پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کھول دیا ہے، تم احتساب عدالت میں اپنے انجام سے بھگت رہے ہو۔ ہائی کورٹ کے فل بینچ کا آرڈر آ گیا ہے، عدالت عالیہ کا، اور یہ دوسرا آرڈر ہے۔ آپ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو رپورٹ دینی ہے، جائیں آپ سپریم کورٹ کو، سٹے تھوڑا مل گیا آپ کو، وہ تو آرڈر ہے کہ یہ رپورٹ ان کو مہیا کر دی جائے، فورتھ ود وداؤٹ اینی ڈیلے امیجیٹلی دے دی جائے رپورٹ ان کو۔ وہ بیوگان، یتیم بچے، بچیاں، متاثرین گئے ہیں وہاں، لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے رپورٹ دے دی ہمارے ہاتھ میں، آفیشیل رپورٹ، ہم پھر اس کا ابھی موازنہ بھی کرنا ہے کہ رپورٹ میں کوئی رد و بدل تو نہیں کر لیا، اہم پیراگراف حذف تو نہیں کر دیے، ہمارے اگلے مرحلے بھی ہیں، ہمارے ذہن میں ہیں سب کچھ۔ اگر آپ نے صحیح مصدقہ کاپی آج آپ نے دے دی، ویل اینڈ گڈ،